माइनस प्लस सकारात्मक इस तरफ आएगा, ये आगे क्या नकारात्मक, नकारात्मक के साथ में क्या होगा, ये सकारात्मक, सकारात्मक। ये दो चीजें जो है ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम नकारात्मक हैं या सकारात्मक, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक होता है कृति और एक होता है विकृति। एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक, साधारण पत्थर पड़ा हुआ है, अगर उसको हमने थोड़ा सा काट छांट कर दिया, ठीक, तो वो भगवान की मूर्ति बन जाती, बताते ना, या कोई गोल पत्थर उसको अपन ले जाके मंदिर में रख दिया तो बोले शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी की पिंडी है, बोलते ना। और यदि वहीं पर किसी मूर्ति बनी बनाई मूर्ति है उसकी कोई चीज अपन ने तोड़ दी, हाथ टूट गया या उंगली टूट गई, तो क्या बोल देते, खंडित हो गई, विकृति। तो एक होता है कृति और दूसरा होता है विकृति। कई बार क्या होता है कि बनाने के लिए आप जो है बहुत मेहनत करते हैं, बिगाड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा बिगाड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना। मान लो एक बच्चे को आपको बड़ा करना है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, उसको क्या करना है, बड़ा करना है, आपको उसको अच्छी खिलाई करना पड़ेगा, अच्छी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे अपन पौधों में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, दवा डालते हैं, तब कहीं बड़ी उसको। और एक आदमी आया कुल्हाड़ी लेके, आपकी 10 साल की 15 साल की 20 साल की मेहनत खत्म होता ना। इसी तरीके से तो दो तरह के लोग होते हैं इस समाज में भी, ठीक है। एक वो होते हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, अरे फालतू पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, तुम तो बढ़िया जाओ, गैया चराओ, बैला चराओ, फालतू परेशान मत हो, ठीक। वही एक पॉजिटिव आएगा, बोलेगा बेटा यदि इस उम्र में पढ़ाई कर लोगे तो जीवन भर काम आएगी। अब पढ़ाई क्या है, जो सिर्फ किताबों में लिखा वो पढ़ाई नहीं है, आपका दिमाग अलग से भी चलना चाहिए, आपको अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। यदि आप गलत को सही को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी हम लोग परिपक्व नहीं, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कहना तो पूर्ण, ठीक है, परफेक्ट कहने पूर्ण। अंग्रेजी हिंदी संस्कृत सब आना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, है ना, तो आपको आना सब चाहिए। जिस चीज की जरूरत आएगी तो अपन बता देंगे, नहीं पड़ेगी जरूरत। भाई देखिए, हमको मालूम था क्या कि कभी हमको जाके बच्चों से मिलना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं मालूम था, लेकिन जो चीज तैयार थी तो आज काम में आ रही है, ठीक है। अब आप लोग कैसे नेगेटिव है कि पॉजिटिव बताइए थोड़ा, आपको क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, दोनों है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको बोल देते हैं, जो अच्छी अच्छाई की तरफ है ना, और जो नकारात्मक किसको बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि रात में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, ठीक है, कौन शक्तियां प्रवेश करती हैं, नकारात्मक, और दिन में सकारात्मक। मंदिरों में सकारात्मक चीजें होती हैं, ठीक है, और जो ऐसे स्थान होते हैं कुछ जहां पर भूत प्रेत की बातें होती हैं, है ना, या कुछ और ऐसे अदृश्य शक्तियां होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचे, तो उनको बोलते हैं अपन नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारे जीवन को रोज प्रभावित करती हैं। आपको अभी हमें बहुत साधारण सा उदाहरण बताते हैं, आपके मन में आया आज विद्यालय नहीं जाना है, ये क्या है, नेगेटिव, है ना। और इसके बाद में आपके ही मन में नहीं आ जाना चाहिए हमको, ये क्या है, पॉजिटिव। आपके ही अंदर दो लोग बैठे हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो आपको दोनों की लड़ाई होती है, किसकी किसकी, नेगेटिव की और पॉजिटिव की। अब उसमें आपको मजबूत होना पड़ता है, जो हमारी अंतरात्मा है ना, ठीक है, जो हमारी अंतरात्मा, उसको क्या होना पड़ता है, मजबूत। नहीं भाई मेरे को तो जाना ही है, मुझे काम करना ही है, तो जो संकल्प ले लेता है कि मुझे करना, मुझे इन सब चीजों के पछड़े में नहीं पड़ना है, इन सब चीजों को नहीं करना है, तो फिर वो कर लेता है। बारिश हो रही है और आपको लगा आज नहीं जाते, मम्मी ने भी कहा मत जाओ अगर नहीं है इच्छा तो, पापा जी ने कहा ठीक है जैसी इच्छा, लेकिन आपने कहा नहीं आज बाबा जी आएंगे, कुछ
अच्छी बात बताएंगे, उससे मेरा जीवन बदलेगा, या सर आएंगे अच्छी बात बताएंगे, जो भी आपने क्लास में आते हैं, यहां तक कि आपको रास्ते में भी सीखने को मिलता है। कोई गाड़ी वाला आ रहा है, कीचड़ पड़ा है, वो गाड़ी को ऐसे तेज करके निकाल लिया, आपके ऊपर पूरी साइड में पानी कीचड़ लग गया, हो जाता है। और कई बार तो वो नहीं करता, आप लोग भी कर देते हो जो गलत है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पर हम बात करेंगे ना, तो बहुत लंबा विषय जाएगा। नेगेटिव पर अगर अकेले अकेले एक चीज पर यदि हम बात करते हैं कि अकेले नेगेटिव पर यदि बात करेंगे, तो बताने के लिए इसमें पूरी बुक तैयार हो जाएगी। जो लोग अच्छा सोचते हैं उनका पूरा जीवन अच्छा रहता है, थोड़ा सा कष्ट तो होता है, कष्ट सबको होता है। अच्छा सोचने वाले को भी कष्ट होता है, बुरे को। डॉक्टर को बीमारी नहीं होती होगी क्या? डॉक्टर बीमार पड़ते हैं ना, अब डॉक्टर सबको इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर बीमार ना पड़े, लेकिन डॉक्टर को ही बीमारी होती है। अब जो ठीक हो गया है, जो ठीक हो गया है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो ही पड़ेगा बीमार, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ चीजें आपको बताएं, ठीक है। और जैसे ही हमको ये बातें समझ में आने लगती हैं, धीरे धीरे हमको ये बातें जैसे समझ में आने लगती हैं, तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। किसकी तरफ जाने लगते हैं? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव की तरफ ही जाना हमारे जीवन का टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट्स योर अवर एम, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट। लक्ष्य क्या होता है? एम। क्या होता है? एम, लक्ष्य, ठीक है। हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। जिसके जीवन में पॉजिटिव एम होगा, सकारात्मक लक्ष्य होगा, वो उसको कभी नुकसान नहीं होता है, वो नुकसान को भी नुकसान नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए और समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए।